मेरा नाम खुमेंद्र शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, यहीं पे रहे, यहीं पे पढ़े और यहीं पे बड़े हुए। मेरे को लगभग 6 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। पहले मेरे पास LPG भी था, उसके बाद जब CNG आए थे तो मैंने CNG लिया था। काफ़ी टाइम मैंने CNG चलाया, फिर जब ये इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जब सन मोबिलिटी की देखा कि स्वैपिंग स्टेशन है, ना कि फिक्स बैटरी का था, जो उसकी वजह से मैंने ये वाला ऑटो सेलेक्ट किया। दिन में 150 से 200 किलोमीटर गाड़ी चलती है, जिसमें हमारा 2 से या 3 बार स्वैप जिस तरह रफली हो जाता है, और कंफर्टेबल है, हमें कोई टाइम नहीं लगता। जिस तरह आते हैं, बैटरी करवाया, 5 मिनट में दोबारा, हमारे पास अगर सवारी भी होती है तो सवारी 5 मिनट वेट कर लेती है। जो सन मोबिलिटी का स्टेशन है सर, वो हमें तकरीबन हर एक 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में इंडियन ऑयल के पंप पे है, जो कि हमारे शहर के अंदर इंडियन ऑयल के पंप ज़्यादा हैं, उसकी वजह से स्टेशन भी हमें प्रॉपर मिल पा रहे हैं, जो हमारे नियर बाय पड़ते हैं, जिससे कि हम टाइम टू टाइम जाते हैं। ज़्यादा फर्क भी नहीं लगता कि हम कहते हैं जितना हमारा नॉर्मल घर से 4 से 5 किलोमीटर CNG पंप है, उतना ही सेम स्टेशन पे ये है। सन मोबिलिटी की जो ऐप चल रही है, जिसके थ्रू हमें रिचार्ज हो गया, हमारे पेमेंट जो डालते हैं एप्लीकेशन से, हमें स्टेशन का पता लगता है, हमें हर एक स्टेशन का लोकेशन और प्लस उसके अंदर कितनी बैटरियाँ हैं, सारा कुछ हमें टाइम टू टाइम मोबाइल के अंदर अपडेट रहती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर टाइम से, जैसे हमारे पास जिस एरिया की सवारी होती है उस एरिया की साइड जाके हम प्रॉपरली स्वैप करा लेते हैं, टाइम वेस्ट करे बगैर। जो CNG था मेरे पास, मंथली के अंदर 500 से 700 रुपये का तो इंजन ऑयल ही होता था, जो इसके अंदर वो नहीं है। दूसरी बात, उसके अंदर क्लच प्लेटें हैं, क्लच की तार है, XYZ, हर महीने का 1000 रुपये का मिनिमम खर्चा जो था, जो कि मैंने एक साल के अंदर 12000 रुपये अपने सेविंग किए हैं। इसके अंदर क्या हुआ, जब से 12000 रुपये बचाए हैं, उसमें से 6000 रुपये की मैंने बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाया उसी बचत में से, और आज मुझे 2 साल हो गए, जबकि दूसरे की भी, साथ के साथ जो बेटा है उसकी भी एक अकाउंट खुलवा के उसकी भी छोटी जो 500 रुपये मंथली जिसे हम बोलते हैं वो किस्तें शुरू करवाई है, इसी रीजन से कि जो मेरा 500 रुपये इंजन ऑयल में डलता था वो सिर्फ सेविंग में डल रहा है।